गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इधर मैं मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ। कल लखनऊ में बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, और मैं चाय बना रही हूँ अब। साथ ही साथ मैंने एक गिलास पानी गरम किया था, तो अब मैं उसको पी रही हूँ। देखिए, हमारी चाय पक चुकी है और मैंने साथ में कुछ सब्जियां निकाल ली थी जो मैं आज बनाने वाली हूँ। आज मैं सोच रही थी आलू मटर बना लूँ, क्योंकि ज़्यादा सब्जियां कुछ थी नहीं, तो वही मैंने आलू मटर आलू को छील लिया है। और अब मैं मिर्ची साफ़ कर रही हूँ कुछ, और साथ ही साथ हमारी चाय पक गई है, तो मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। और जो सब्जियां मैंने धोई थी तो उनको मैं कट कर लेती हूँ। आज का मौसम बहुत ठंडा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, और बाहर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मतलब कि मौसम बिल्कुल मेरी सारी सब्जियां कट गई हैं, तो अब मैंने सोचा कि मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जब तक मुझे चाय नहीं मिलती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए मैंने एक कप चाय ले ली है, तो थोड़ी देर बैठ के इसको पीऊँगी, फिर इसके बाद अपने सब्जी बनाऊँगी। अब मैंने कुकर ले लिया है, गैस ऑन कर दी है। आज मैं बनाने जा रही वाली हूँ मटर सब्जी। मेरा बेटा भी याद जाग गया गया। है, ये देखिए आ गया इधर, अभी नींद गुड से उठा मॉर्निंग हुआ बोल है। दो भाई। पूरे बाल बिखरे हुए हैं इस लड़के के।
बेटू हेलो बोलो। चलिए वो कुछ नहीं बोला क्योंकि अभी अभी उठा है तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। चलिए हम सब्जी बनाते हैं। तो मैंने कुकर में तेल कुकर लिया, कुकर गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल देती हूँ तेल। 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। आलू मटर बहुत इजी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आज मैं सोच रही हूँ कुछ आज मेरे पास इतना सारा काम है तो मैं सोच रही हूँ जल्दी झटपट अपना काम फिनिश करूँ फिर और काम करूँ, क्योंकि होली आने वाली है। होली के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। चलिए तो हम अपना आलू मटर बनाना चालू कर देते हैं। हमने इसमें कुकर लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है, तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हो गया तो इसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डाल देते हैं। प्याज इसमें मिर्ची और प्याज डाल दिए, वो थोड़ा भून जाएंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मिर्ची प्याज भून के इसमें थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं टमाटर। मिर्च डाल देती हूँ, मिर्च थोड़ी, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। देखिए आरुष पी रहा है चाय और हलवा। साथ में देख रहा है टीवी। टमाटर पक गए तो अब इसमें डाल देते हैं आलू मटर। सब्जी पक रही है, आटा मार देते हैं साथ में।
चलिए मेरी सब्जी पक चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी। ढक देंगे। एक साइड मैंने रख दिया है तवा और दूसरी साइड चढ़ा दी है मैंने सब्जी। सब्जी के साथ साथ मैं बना रही हूँ रोटियाँ ताकि जल्दी से हो जाए। ऐसे करके मैं सारी रोटियां बना लेती हूँ और रोटियां बनाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में। वहाँ पे आरुष उठ चुका था और अब मैं बिस्तर को साफ कर लेती हूँ क्योंकि जब तक आरुष सोता है तो बिस्तर नहीं साफ करते, और जब आरुष उठ जाता है तो फिर मैं अपना बिस्तर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ के कमरे की डस्टिंग कर लेती हूँ, साथ ही साथ डस्टिंग भी करती जाती हूँ। और यहाँ पर मेरा बेटा पढ़ाई क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। ओके करिए, क्या नहीं आ रहा आपसे? देखिए ये वाली मात्रा है, ओके ये वाली मात्रा देखो आ ई बड़ी। मैं उससे कुछ पूछ रहा था तो मैं उसको बता रही हूँ। जाती हूँ किचन में, मैंने बेडरूम क्लीन कर लिया है, फिर कुछ बर्तन रखे हुए थे जो खाने के बनाए थे और ये जो बर्तन साफ किए रखे हैं ये रात के बर्तन मैंने जो सुबह बचे हुए थे तो सुबह साफ कर लिए थे, और फिर कुछ खाने के बाद के बर्तन थे तो वो साफ कर लेती हूँ। ये सारे काम खत्म हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर आरुष को पहुँचाएंगे कोचिंग। कोचिंग जाना? अब पढ़ाई नहीं करते? अब तो सब लोग बोलते पढ़ाई नहीं करते, करते हो? आप देखो टीवी देखते हो, अभी की पढ़ाई? चलिए तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मेरे सारे काम खत्म हो गए, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो
तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है ना आरुष। क्यों आरुष? ठीक है, चलिए हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आरुष के लिए एक लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।